तो यहाँ से आपकी कुछ चीज़ें फाइनल हुई हैं जो हम लोगों ने आज ली है। तो एक ये हो गया एक ऐसी SW मोटोटेक का जो सर्वी स्टे और सर्वी बैग है। तो बेसिकली ये इसका फिटिंग वाला है, बाकी सारी चीज़ें आ जाएगा इसमें। तो सैडल केस है और काफ़ी अच्छा लग रहा है ओवरऑल लुक में। तो कुछ ऐसा है कि अभी मेरे को यहाँ से जाना है बाइक एंड बाइकर जो कि है विल्सन गार्डन के पास में। तो अभी सीन कुछ ऐसा रहेगा, वहाँ पे जाएंगे, टाइम हो चुका है 1:25, वहाँ से जाके कलेक्ट करेंगे। पहले मैंने जो SW मोटोटेक का ब्लेज जो आता है वो फाइनलाइज़ किया है। उसके अलावा बाकी कुछ ऑप्शन मेरे को अच्छे नहीं लगे, बट ओनली थिंग इज़ कि मेरे को थोड़ा सा चाहिए था इजी। तो सेमी हार्ड केस है काइंड ऑफ, एंड जो उसका कैपेसिटी है दैट इज़ 15 लीटर्स ऑन ईच साइड, एंड जब एक्सपेंड कर देते हैं तो हो जाता है 21 लीटर्स, तो विच इज़ क्वाइट गुड। आप लोगों को जो डिज़ाइन है और बाकी सारी चीज़ें वो मैं दिखाऊँगा वहाँ पर जाके, ताकि एक बेटर आइडिया लगेगा। इवन मैंने भी नहीं देखा है अभी तक, मैंने जस्ट वीडियो में देखा था जैसे भी बाइक एंड बाइकर वालों ने सजेस्ट किया था मेरे को, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट राइड का प्लान बन रहा है। उससे पहले मैं और मेरी वाइफ का प्लान ऐसा है कुछ, हम लोग जाने वाले हैं ऊटी, क्योंकि वाइफ ने कभी ऊटी नहीं एक्सप्लोर किया। मेरा अचानक से राइड का प्लान बन गया था, ऊटी मैंने भी नहीं एक्सप्लोर किया था, एंड कोडाई कनाल से हम लोग देन चले गए थे ऊटी के लिए। और अगर आप लोगों ने वो वाले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो बिल्कुल मिस मत करना, आई नोटिफिकेशन जो आप लोगों को आ रहे हैं ना वहाँ से जाके देख लेना। अल्टीमेट वाले ड्रोन शॉट आए थे कसम से, मतलब मज़ा आ जाएगा। यहाँ से मैं जा रहा हूँ, यहाँ से बाइक एंड बाइकर पहुँचते हैं, देन उसके बाद मैं आप लोगों को बाकी डिटेल्स बताता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कैसे इंस्टॉलेशन रहता है। तो स्टे ट्यून्ड एंड ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना, ताकि आप लोगों को भी फ्यूचर में किसी भी लंबी राइड करने के लिए जो भी प्लानिंग चाहिए रहेगी वो एक तो प्रॉपर से हो जाएगी। एंड लगेज का सबसे ज़्यादा बड़ा सीन यही आता है, आप लोगों को डेली पैक करना है, डेली उसको बांधना है। तो आई वॉन्ट दैट ईज़ कि मतलब मैं जब भी राइड कर रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग सामान मेरा पैक है, जिस भी बॉक्स में मेरे को इम्पोर्टेंट वाला सामान है बस वो रख देता हूँ, एंड देन उसके बाद ईजी से क्लिप ऑन टाइप सा वो हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली एडवेंचर टूर बाइक नहीं है, तो मैं वो जो टिन का जो बॉक्स आता है या फिर जो भी एल्यूमिनियम का जो पैनियर्स और टॉप रैक रहता है वो नहीं लगाना चाहता हूँ। एंड एडवेंचर टूरर में थोड़ा सा मज़ा जो है ना इनलाइन फोर वाला नहीं आता है, बट थिंग इज़ कि इसमें भी हो सकता है ऐसा, लंबी राइड किसी भी बाइक में हो सकती है, इवन स्कूटी में भी हो सकती है। तो बस ये रहता है कि आप लोगों को अपने ईज़ के हिसाब से कैसे बाइक को मॉडिफाई करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को Z800 बेस्ट लगती है, लॉन्ग राइड भी मैंने कर ली है, मतलब मैंने इस पे 900 प्लस किलोमीटर्स खींचा था जब यहाँ से मैं गया था लोनावला के लिए। तो ओवरऑल मस्त था एक्सपीरियंस, ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ। वैसे भी मैं मतलब सीटिंग के लिए, अगर आप लोगों को बात की जाए तो सीटिंग के लिए मैं क्या करता हूँ कि साइकिलिंग शॉर्ट्स पहन लेता हूँ जो जेल वाला आता है, तो उससे थोड़ा ये होता है कि ना आप लोगों को बम्स को कम्फर्ट मिल जाता है, अदरवाइज़ तो मतलब बिल्कुल ना लाल हो जाएगा अगर ऐसे राइड करेंगे तो। सो गाइज़ अभी मैं आ चुका हूँ बाइक एंड बाइकर, और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है स्टोर, विल्सन गार्डन है ये एरिया। तो यहाँ से अभी जाएंगे, कुछ बाइकें खड़ी हुई हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे कुछ ऐसा है कि अच्छा मस्त लोडेड बाइक्स है। तो अभी यहाँ पे जाके देखते हैं, एंड आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि किस तरीके सा जो फाइनल किया है मैंने सैडल बैग, सो सेमी हार्ड केस का है। सो गाइज़ अभी हम लोग हैं बाइक एंड बाइकर में, एंड यहाँ पे काफ़ी सारा एक्सेसरीज़ मिल जाता है, देखो जैसे EVC के ब्रेक्स हो गए, एंड बाकी चेन क्लीनर, चेन ल्यूब, सारी चीज़ें, एंड ये आता है अपना फेवरेट सेक्शन जिसके लिए अभी प्लानिंग चल रही थी। तो आई थिंक जो कल देखा था मैंने, ये तो वैसे GV का है, बट SW मोटोटेक का ही ऐसा ही सेमी हार्ड केस में है जो कि Z800 में लग जाएगा, तो एक अच्छा ऑप्शन लगा मेरे को। इसके अलावा हेपको बेकर का ब्रांड है, इसके भी आते हैं, बट तो मेरे को Z800 के लिए अभी नहीं मिल रहा है। तो ये वाला कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे ये दिखा देते हैं, ऐसे ही था। तो ये अच्छा है, मतलब इतना ही साइज़ का था कुछ, एक्सपेंड हो जाता है, अच्छा रहेगा वैसे। ये भी सेमी सॉलिड, वो थोड़ा इसका साइज छोटा रहेगा, उसका साइज छोटा है, क्योंकि ये जो है ना, हाउ मच लीटर इज इट, दिस विल बी अराउंड 35 आई थिंक, 35 रहेगा ये, कितना 30 रहेगा ना, 30 होगा, 30 एक्सपेंडेबल टू 40, ओके हां, तो फिर अच्छा, तो फिर वो छोटा रहेगा, बट ठीक है मेरे को अगर एक्सपेंड करके भी अगर हो जाता है तो ये ना, पर ये वाला बॉक्स लगाना बहुत
हैवी वाला काम लगता है। तो ये ऐसे अगर हेलमेट रखने के लिए हो या फिर कुछ भी, आप क्या करो पता है, एक छोटा सा बॉक्स लगा, छोटा बॉक्स वो लगा के पीछे टेल ये लगा के, एक छोटा सा बॉक्स लगा लो, उसमें क्या होगा जब निशा पीछे भी बैठेगी ना उसको बैक रेस्ट, हाँ वो बैक सपोर्ट मिल जाता है ना। एक्चुअली इसमें कुछ रहता है ना पीछे साइड में पैडिंग भी, यहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा पैड आता है। अच्छा अच्छा, ये प्लास्टिक वाले में नहीं आता, ऐसे वाले से नहीं, प्लास्टिक में भी लगा सकते हो, वो कुछ नहीं स्क्रू से वो होता है। देयर आर डिफरेंट मॉडल्स, सम मॉडल्स कम प्रीफिक्स्ड, सो लाइक दिस वन हैज इट ऑलरेडी बिल्ट इनटू इट। ओके, लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, या राइट, दिस काइंड ऑफ द अदर यू हैव द ऑप्शन टू हैव इट इंस्टॉल्ड, इट्स अवेलेबल इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ से अपनी कुछ चीज़ें फाइनल हुई हैं जो हम लोगों ने आज ली है। तो एक ये हो गया, एक ऐसी SW मोटोटेक का जो सैडल स्टे और सैडल बैग है, तो बेसिकली ये इसका फिटिंग वाला है, बाकी सारे चीज़ें आ जाएगा इसमें, नीचे वाली शॉप से फिट कराएंगे। देन आई बॉट दिस वन पुटलिन राइटेक, तो इसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा है। एंड बिफोर गोइंग ऑन राइड आई वाज प्लानिंग फॉर दिस थिंग, सो देखते हैं अगर राइट से पहले ये वाला बाई करते हैं तो इसमें भी फ़ोन वोन का केस आता है, एक बार फ़ोन डाल के देख लेता हूँ उसे। तो अच्छा है, क्वाइट कंफर्टेबल, इजीली टच पैड भी काम कर रहा है, सही है यार, बट इनफ है, मेरे को अच्छा लगा। अरे पूरा स्लीक है बाइक में ना, अच्छा स्लीक है, केस का मतलब शेप भी ऐसा रहेगा, समय काफ़ी अच्छा, मतलब जितना भी है इसका वर्थ है, अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि बाइक के लिए मतलब वो लग जाएगी बट वो लुक खराब कर देगी, तो इसका वैसा नहीं है। तो अभी ये वाला फाइनल करते हैं, देन उसके बाद में यहाँ से निकलते हैं, फिटिंग विटिंग कराते हैं और उसके बाद में आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो गाइज़ अभी अपना जो फाइनल फिटिंग है वो हो चुका है, ये है SW मोटोटेक का। एंड इसका कुछ ऐसा सीन है, यहाँ पे एक क्लैंप किट लग गया और इसके ऊपर से रॉड जा रहा है यहाँ पे, और बैग जो है इधर साइड से रॉड में चला जाता है, एंड यहाँ पे ऊपर जो सीट का ऊपर वाला फ्लैप होता है वो स्ट्रैप हो जाता है। सो गाइज़ अपना फाइनली बाइक का जो फिटिंग है वो प्रॉपर से हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने लिया था SW मोटोटेक का जो सैडल केस है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है ओवरऑल लुक में, तो देखेंगे लॉन्ग राइड में क्या एक्सपीरियंस रहता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप इसको यहाँ से खोल के यहाँ पे सारा सामान डाल सकते हो, एंड तो इधर से अगर खोलते हैं तो एक्सटेंड हो जाता है और ज़्यादा, तो सामान वामान अच्छा खासा आ जाएगा, देखते हैं, आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। एंड उसके अलावा एक चार्जिंग केस लगवाया है यहाँ पे, जो कि कुछ इस तरीके से लग गया है, तो लेट्स सी, वी आर ऑल सेट फॉर नॉर्थ ईस्ट राइड। अभी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन और रहेगी धीरे धीरे, उसके भी ब्लॉग आते रहेंगे। तो अभी अपना फाइनली जो बाइक का फिटिंग है वो हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को दिखाया है मैंने, एंड काफ़ी अच्छा मतलब मेरे को लगा ओवरऑल जो सेटअप है, क्योंकि हिल नहीं रही है मतलब बाइक में, ये जैसे भी लगेज बैग लगा हुआ है, बाकी तो आप लोगों को जो लंबी राइड पे ही पता लगेगा। ओवरऑल जो प्राइस लगा मेरे को 32,000 रुपीज़ का जो मेरे को इसका मेरे को पड़ा, सैडल केस और उसका क्लैंप किट, एंड उसके अलावा जो 1800 रुपीज़ का ये जो चार्जिंग वाला पोर्ट है ये पड़ा, तो ठीक हो गया, और ऊपर से जो मेरा हॉर्न का इशू आ रहा था वो भी सॉल्व हो गया, तो अच्छा ही है। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, अगर कुछ डाउट है डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ विकेट राइडर ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, दिस इज़ विकेट राइडर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।